हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वालम। दोस्तों, बहुत से लोग फौजी के लिए बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर फौजी गेम कब रिलीज होगा? तो मैं आपको बता दूं कि फाइनली फौजी गेम रिलीज हो चुका है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो खैर, आज मैं फौजी का गेम प्ले करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी इसी टाइप के वीडियो सब तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही गेम ओपन करते हैं तो एनकोर गेम्स देखने को मिल जाता है क्योंकि इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स मिल जाते हैं जो कि मॉडिफाइड है, जिसमें आपको कुल्हारी, पाइप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे है लॉड आउट, यहाँ पर आपको तरह तरह के टोकन्स मिल जाते हैं। अगर हम सेटिंग में जाएं तो सेटिंग्स में जो ग्राफिक्स है वो वेरी लो से लेकर अल्ट्रा तक का भी फीचर्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम स्पेसिफिकेशन वाले फोन में भी आप इस गेम को बड़े आसानी से खेल पाएंगे। अगर आपके पास फ्लैगशिप लेवल का है तो अल्ट्रा में खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। आपको बता दें कि इसमें तीन मोड्स हैं, बट फिलहाल इसमें एक ही मोड अवेलेबल है जो कि कैंपेन मोड है। अभी तक मेरे फौजियों का कुछ अता पता नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप इस गेम को पबजी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक अलग ही लेवल का गेम है। दोस्तों, ये जो गेम है ये गलवान घाटी के ऊपर बेस्ड है। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी है। और घुस बैठिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ये गेम खेलने पर आपको रियलिस्टिक जैसा फील होगा। अगर हम साउंड की बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जिससे आपको लगातार खेलने को मन करेगा। बट ध्यान में रखें इस बात को, आपकी कोई भी गेम खेलें लिमिट में खेलें। अनलिमिटेड गेम खेलना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए हमेशा लिमिट में खेलें। वहां और भी होते हैं। दोस्तों, इस गेम की सबसे अमेजिंग बात यह है कि टीम डेथ मैच और बैटल रॉयल गेम जल्दी आने वाला है। मतलब ये कि बैटल रॉयल में मल्टीप्लेयर मोड होंगे और मैप्स के साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। दोस्तों, इस गेम में जो डायलॉग्स हैं वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। तो हो जाए, तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? और दोस्तों, इस गेम की प्लस पॉइंट ये भी है कि ये एकदम लाइट वेट है, यानी इसका साइज बहुत ही कम है, 488 MB का है। इससे ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि सारे इंडियंस लोग इस गेम को बड़े आसानी से खेल पाएंगे, वो भी कम स्पेसिफिकेशंस वाले फोन में। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। आप चाहे तो इसमें वेपन्स वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन इस गेम की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप जो भी चीज परचेज करेंगे उसका 20% हिस्सा है, यानी 20% अमाउंट भारत के वीर के लिए जाएगा, यानी सोल्जर्स के लिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है कि अगर आप फौजी वाले ड्रेसेस, टी शर्ट, हुडीज वगैरह परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। दोस्तों, फायरप्लेस के पास आने से हमारी हेल्थ और स्टैमिना जो है वो रीजेनरेट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं।
तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे टीएम फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे टीएम फैमिली का हिस्सा बन पाए। तो दोस्तों, ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, फौजी गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे जैसे आप इस गेम को खेलते जाएंगे वैसे वैसे आपको मजा आता जाएगा। इस गेम से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।